अब की बार बीजेपी सरकार को इतनी दूर फेंक देना है कि उसका नाम और निशान मिट जाए, वरना ये हमारे को कभी भी ऐसे हक नहीं लेने देंगे जो आज हम लेने जा रहे हैं। उनका हम मुंह तोड़ के जवाब देंगे। और बताना चाहती हूँ मीडिया वालों को, खासकर जो तृणमूल के हमारी मीडिया में वार्तालाप की जा रही है, उसी मीडिया के तहत मैं कहना चाहती हूँ सच्चाई दिखाने का काम करो, सच्चाई दिखाने का। बिके हुए मीडिया के पत्रकारों, तुम्हें भी भगवान के घर जाना है। याद करो वो दिन दूर नहीं। हम मीडिया वालों का मान और सम्मान करना जानते हैं, क्यों? वो भी हमारे भाई, हमारे पुत्र, हमारे बेटे हैं। लेकिन वो मजबूर है कि उनको नहीं दिखाएंगे तो पता नहीं उनको कहां जन्नत पार करेंगे। लेकिन इस इलेक्शन का हमें मोदी को कैसे हटाना है, योगी के कैसे हटाना है, आगे आने वाले प्लान में ये क्या कह रहे हैं, योगी को बनाएंगे हम प्रधानमंत्री। योगी साहब, तुम्हें पता नहीं ये उस धरती है, इस धरती पे किसान पैदा हुआ है, आम जनता ने किसान का साथ दिया तो तुम्हारा किसान का साथ है। तुम्हारी आज तक बीजेपी सरकार बनी है तो किसानों के नाम पे बनी है, वरना तेरे को कोई हरियाणा के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। लेकिन भूल हो गई मेरे चाचा ताऊ से, भाई से, उसे बहनों से, जो तुम्हारे के बहलावे फुसला में आने के लिए आपको वोट दे गई और आपने वादा किया था, वो वादा पार नहीं किया। आपने कहा था एमएसपी बर्खास्त करेंगे, स्वामीनाथ रिपोर्ट की लागू करेंगे, सारे वादे तुम्हारे फेल हो चुके हैं। लेकिन जहां तक भी हमारी महिला शक्ति, जो हमारे संयुक्त मोर्चा हमारी ड्यूटी देगा, उस ड्यूटी को तय दिल से निभाएंगे। छाती के अंदर गोली खाने के लिए तैयार है हमारी महिला शक्ति, अपने पुरुषों को, अपने पुरुष प्रधानों को आज नहीं आने देंगे। मैं वादा करती हूँ मोदी साहब, आज नहीं तो कल तुम्हें वार्तालाप करना ही पड़ेगा, एमएसपी बिल पास करनी ही पड़ेगी, चाहे तू कितना ही पीछे घूम ले, चाहे तू कितने मंत्री बदल ले। ते मंत्री बदलने वाले भी मारे बेटे पोते हैं, उन नब्बे बेचारे नूरो हाल आने के, हम मजबूर हैं, हमारे हाथ बांध दिए। और बार बार धमकाते हैं उनको, जो मंत्री बदल दिया है तुमको, उनको फेर बदल जो दिया है, सिर्फ इतने दिया है, इतने इलेक्शन लड़ना है, फिर उनकी भी सुपड़ा साफ है। अरे मंत्री बदलने वालों, तुम पदों के लिए आज आगे आ रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे ऐसे जीवन पे, धिक्कार है ऐसे मंत्री पद पे। ठुकरा दो ना पीछे पछताओगे। छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई पे जो आज आज आई हुई है, वो तुम्हारे भी बच्चे पढ़ने वाले हैं। सरकारी स्कूल इन्होंने प्राइवेट स्कूलों में बदल दिए, बड़ा नहीं मोदी साहब, औलाद तुम्हारे नहीं, कह रहा मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, फिर कहता है यशोदा जी मेरी मिसिज है। क्या क्या झूठ बोलोगे, कितनी झूठ बोलोगे। लेकिन इन्होंने तो अडानी और मुकेश अंबानी का बिक चुका है, और हमारा पैसा भी इन्हें ले देना बाकी है, सारे गिरवरी इकट्ठे हैं। आज नहीं तो कभी नहीं मेरे जितने मेरे भाई मेरे बहन भाई है, सभी पढ़ ले लो, बीजेपी सरकार वालों के ना बेटे बहेंगे ना बेटी बह कहलाएंगे। बहिष्कार पहले भी कर दिया था, आज भी करूं। इन्होंने अब यूपी के इलेक्शन के टाइम वो मंत्री बनाए जो वहां के आदमियों को बलाने फुसलाने का काम करा। लेकिन ए मेरे भाइयों यूपी वालों, आपकी बहन श्रीमती रमेश अंतिल आपको कहती है, आपको चेतावनी देती है, इनकी बहकावे में नहीं आना है, हम भुगत भोगी हैं। पति मेरे शहीद हो चुके, भाई मेरे शहीद हो चुके, चाचा मेरे शहीद हो चुके, चाची मेरी शहीद हो चुकी, 500 नेता, किसान नेता हमारे यहाँ शहीद हो चुके हैं। कितनों की कुर्बानी लोगे, अब मुंह से निकालो, उतने शहीद होने के लिए हमारी मातृशक्ति तैयार है। डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है, नहीं डरते तेरी गोली से, नहीं डरते तेरे आंसू गैस के गोलों से। वार्तालाप करने के लिए झूठा आश्वासन देकर मेरे भाइयों को वहां दिल्ली बुलाते हो, उसका किराए तक का भी वसूल करेंगे हम। जितना तेल हमारा खर्च हुआ, जितना पैसा हमारा खर्च होता जा रहा है, उसका एक एक पैसे का ब्याज समेत वसूल करके जाएंगे।
यहां से डिगने वालों से नहीं है। अभी मैंने यूपी का इलेक्शन लड़ने के लिए क्या कंगे लगाए हैं, राशन कार्ड जो पीले बनाए हुए हैं उन पीले कार्ड वालों के घर पे पैसे पहुंचाने का काम किया है। लेकिन मेरी बहनों, मैं मेरे भाइयों यूपी वालों, समझ जाओ आज इज्जत इधर है, इज्जत पैरों में आनेगी तो जीने का काम नहीं है। एकमात्र शक्ति आपको कह रही है ये चाहे जितने हथकंडे अपना ले। मैं बार बार चेतावनी देती हूं, मोदी साहब तुमने महिलाओं की नहीं सुनी, विधवाओं की नहीं सुनी, शहीदों की पत्नी की नहीं सुनी, तो सुनोगे किसकी? हमारे को बता तो दो किसकी सुनोगे? जिसकी आप सुनना चाहते हो उसी बंदों को, उसी हमारे आगू नेताओं को आपके सामने ला दिया। 11 बार हमारी मीटिंग हो चुकी, 11 बार बार तालाब होने से आपके दिल में नहीं पसीजा कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बीच वाले युवा नेता हमारे बीच रहते हैं। तुम बीच बीच में आके मंत्रियों का फेर बदल करते हो और उनके छुप छुप के उनके पदों को बदलने का काम करते हो। हम बकावे में आने वाले नहीं हैं, चाहे आप झोटे न रख लो चाहे आपकी न डर लो, हम तो वही किसान रहेंगे। अब जा चुका है किसान, अनपढ़ नहीं है किसान।